So hello friend, welcome back to our channel. Before coming to the topic for the video, I'll just first want to introduce myself. I am a counselor. I'm working from last 4 years and also awarded by the Chief Minister of Madhya Pradesh for my counseling work only. I take, you know, career counseling sessions in schools and colleges. I guide students, you know, for their career. So today's topic is career counseling. So सबसे पहली चीज़ है why it is important. अगर हम बात करें like for example, मैं आपको दो छोटे से examples दूंगी. For example, आपने एक iPhone ख़रीदा जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है एंड जस्ट इन केस आपको वो ख़रीदने के बाद पसंद नहीं आता है या फिर वो डैमेज निकलता है तो what you think कि आपका 1 लाख रुपए बर्बाद हो गया. बट जस्ट इन केस अगर आप एक रॉन्ग करियर चूज़ कर लेते हो और तो वो आपकी पूरी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. स्टूडेंट्स इस चीज़ को इतना प्रायोरिटी नहीं लेते हैं बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि यू नो आप या तो यू नो आप क्या करोगे अपने करियर में, आप किस चीज़ में अच्छे हो, मुझे क्या करना चाहिए, यू नो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उससे रिलेटेड अगर आप करियर चूज़ नहीं करते हो, अगर आप एक ऐसे करियर में जाते हो जिसमें ना आपका एक्सपर्टाइज है ना आपका इंटरेस्ट है तो यू नो ऑब्वियसली यू नो वो आपके पूरे करियर पर पूरी लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगा. तो आज हम बात करेंगे कि आप कैसे एक राइट करियर चूज़ कर सकते हो. तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जिसके थ्रू आप एक राइट करियर चूज़ कर सकते हो. सबसे पहली चीज़ है आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, नो योर सेल्फ. लाइक हमें सबके बारे में पता है यू नो हमारे फेवरेट एक्टर्स यू नो उनका क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है, वो किस चीज़ में अच्छे हैं, हमारे फ्रेंड्स के बारे में, हमारे कजन्स के बारे में, बट हमें ये नहीं पता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी एक्सपर्टाइज़ क्या है. तो हम अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं दूसरे के बारे में जानने के लिए. तो अगर आप एक राइट करियर चूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है नो योर सेल्फ. अपने आप को आप जानो, आपके अंदर आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, या पहचान ये या आप आइडेंटिफाई करो. देन दूसरी चीज़ गोल. लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है. तो आपने अपना गोल सेट किया कि आई हैव टू गो टू बैंगलोर. जब आपका गोल डिसाइड हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है बैंगलोर जाने के लिए, आप ट्रेन से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप एरोप्लेन से जा सकते हो, आप अपनी खुद की कार से भी जा सकते हो, मतलब रास्ते बहुत सारे हैं. बट जस्ट इन केस आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है तो आप किसी भी वे को चूज़ कर लो. आप एरोप्लेन से चले जाओ, आपके पास लैम्बोर्गिनी हो, मर्सिडीज हो, बेंज हो, बट आप कहीं पहुँच ही नहीं पाओगे. तो करियर के लिए भी एक गोल बहुत इम्पोर्टेंट है. तीसरी चीज़ यू नो इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस तरफ है करियर चूज़ करने के लिए? सिर्फ इंटरेस्ट सब कुछ नहीं होता, ये जितने भी पैरामीटर्स लिखे हैं ये इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, बट उनमें से इंटरेस्ट भी एक चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है. आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करो कि मेरा इंटरेस्ट किस जगह पे है. जब आपको पता है आपका इंटरेस्ट इस जगह पे है, देन फाइंड कि आपका उसमें इंटेलिजेंस और आपका एप्टीट्यूड क्या है. बिकॉज सी लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेटर, मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर राइट, बट मेरा एक्सपर्टीज है ही नहीं, मेरा इंटेलिजेंस है ही नहीं उसमें. तो करियर कैन नॉट बी की जस्ट इंटरेस्ट, बिकॉज आज के टाइम में स्टूडेंट क्या सोचता है, अच्छा मेरा इंटरेस्ट ये है तो मुझे ये करियर चूज़ करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. It should be your interest, intelligence, aptitude and personality. आपका करियर ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस भी होना चाहिए. बिकॉज सी इंटरेस्ट तो ऐसा है कि आप लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20 साल के हो चुके हो तो 20 साल में आपने आपके यू नो 20 तरह के इंटरेस्ट डेवलप हुए होंगे, बट आपका इंटेलिजेंस और जो एप्टीट्यूड है वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग आपके अंदर रहता है. ये चीज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है, ये इम्प्रूव होती है बट ये चेंज नहीं होती है. तो यू नीड टू फाइंड योर इंटरेस्ट, योर इंटेलिजेंस, योर एप्टीट्यूड एंड विद दैट योर पर्सनैलिटी. नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स. यू नो मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ तो स्टूडेंट्स कैसे अपना यू नो करियर चूज़ करते हैं? सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स सजेशन. पेरेंट्स एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए करियर चूज़ करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे ने 10th किया, यू नो आप कितने परसेंटाइल है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, बैंकिंग में ज़्यादा स्कोप है तो आपको बैंकिंग कर लेना चाहिए, मेरे फ्रेंड का बेटा इस फील्ड में है तो आपको उसमें, तो वो एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है जो यू नो अगर ये वीडियोज़ पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी कि यू नो हर इंसान की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. ज़रूरी नहीं कि लाइक फॉर एग्जांपल जो चीज़ यू नो
एक दूसरे यू नो इंसान के लिए सही है वही आपके बेटे के लिए भी सही हो. तो यू नो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू यू नो स्टूडेंट्स अपने करियर के डिसीजन लेते हैं. देन करंट ट्रेंड्स को हम देखते हैं कि अभी लेटेस्ट चीज़ क्या चल रही है. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम आया था जब यू नो इंजीनियरिंग का बूम था, अभी यू नो जर्नलिज्म लॉ का बूम चल रहा है. देन अपार्ट फ्रॉम इट यू नो स्टूडेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, टेलीविजन से. हम वेब सीरीज़ देख रहे हैं, हम टीवीज़ देख रहे हैं कि यू नो उसमें फैसिनेटिंग, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि यू नो यू नीड टू बी अ डॉक्टर और यू नीड टू बी एन इंजीनियर. तो ये भी काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जो यू नो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जिनकी वजह से डिसीजन लेते हैं अपने करियर के. तीसरी चीज़ कि यू नो उनको सिर्फ थोड़ी बहुत ही कम नॉलेज होती है कि सिर्फ यही करियर ऑप्शंस हैं, उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस पता ही नहीं है जो वो ऑप्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यू नो लोग ज़्यादातर लोगों को ये पता है आप बी कॉम कर सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स जहाँ पर आप जा सकते हो, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स. मेरा दोस्त यू नो इंजीनियर कर रहा है तो मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए. मेरा फ्रेंड डॉक्टर पीएमटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो मुझे वो करना चाहिए. मेरा लाइक फ्रेंड अगर यू नो फॉर एग्जांपल मर्चेंट नेवी में जाना चाह रहा है तो हमें वो करना चाहिए. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है. एंड देन लाइक फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट बनने में है तो यू नो मुझे कर लेना चाहिए. बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो, सिर्फ इंटरेस्ट ही सब कुछ नहीं होता है. तो दीज आर द फैक्टर्स जो स्टूडेंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं करियर चूज करने के लिए और कहीं ना कहीं उन्हें यू नो ट्रैक से हटाते हैं. कुछ और चीज़ मैं यू नो ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ चूजिंग करियर. सी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया आपका इंटरेस्ट, आपका इंटेलिजेंस, आपका एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, उसके साथ साथ रिसोर्सेज कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप उस कोर्स के लिए जा रहे हो तो आप कितना उस कोर्स में यू नो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस और क्या क्या हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे फिर अगर आप यू नो लाइक अगर आप यू नो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे तो ही आप सॉफ्टवेयर बन सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन डेवलपर आप तभी बन सकते हो. आप BCA भी कर सकते हो, BCOM कंप्यूटर्स भी होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होता है. तो यू नीड टू नो ऑप्शन कि उस फील्ड में भी और किस तरह के ऑप्शंस हैं. स्कोप, सी आप जो करियर अपॉर्चुनिटीज चूज़ कर रहे हो, स्कोप नॉट इन सेंस ऑफ कि यू नो उसकी सैलरी पैकेज कितना है, स्कोप इन सेंस ऑफ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप ड्यूरिंग योर करियर, आप क्या ग्रोथ है, आप क्या सीखने को मिलेगा, क्या सारी यू नो क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा. ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं करियर चूज़ करने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बैकअप ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि जस्ट इन केस अगर वो वर्कआउट नहीं करता. आई एम नॉट सेइंग कि यू नो वो वर्कआउट नहीं करेगा, बट जस्ट इन केस आपका वो वर्कआउट नहीं करता है तो आपके पास यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन की एंड दैट शुड ऑल्सो बी सॉलिड बैकअप ऑप्शन. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम चूजिंग अ करियर. वन मोर थिंग, यू नो लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यू नो जिनको पता होता है कि उनका इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज क्या है, बट अगर आप उनमें से जिनको कोई आइडिया नहीं है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, देन यू नो यू कैन टॉक टू करियर काउंसलर्स. आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड रहता है, जस्ट यू नो क्वेश्चंस आंसर्स रहते हैं जिसके बेसिस पे दे विल टेल यू कि आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे क्या सारे कोर्सेज हैं, क्या सारे करियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हो. और यू कैन ऑल्सो टॉक टू करियर काउंसलर्स, वन ऑन वन करियर काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हैं जिसमें वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आप किस तरह से करियर चूज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम इट उसमें क्या यू नो उस लाइक पर्टिकुलर करियर में क्या स्कोप है, क्या यू नो अदर ऑप्शंस हैं, वो आपको प्रॉपरली काउंसलिंग करते हैं. तो अगर आप उनमें से हो जिनको आइडिया नहीं है कि मेरा इंटेलिजेंस, मेरा एक्सपर्टाइज, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, तो यू कैन इवन टॉक टू काउंसलर्स. एंड इफ़ यू वॉन्ट, वी आर एज आई टोल्ड यू दैट आई एम इटसेल्फ अ करियर काउंसलर. अगर आप चाहो तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है यू नो करियर से रिलेटेड, आइदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ चूजिंग मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन, मुझे ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन रीच अस ऑन दिस नंबर. एंड अगर आप अपनी क्वेरी थ्रू मेल जानना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन info@thecollegekhabri.com. सो होपफुली यू नो यू लाइक द वीडियो.